अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज बॉय इरफान इधर। और आज का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज मेरा सफ़र है मेरे गांव से लेके इस्लामाबाद तक। लास्ट दो ब्लॉग में आपको उम्मीद है कि पता चल गया होगा कि मैं अपने गांव आया हुआ था। आज मुझे कोई एक मंथ और 9 दिन हो चुके हैं यहाँ पे अपने गाँव में, और फैमिली के साथ आया हुआ था, और अभी दोबारा इस्लामाबाद अपनी बिजी लाइफ में जा रहा हूँ। तो एज़ यूजल सफ़र का आगाज़ होगा, उससे पहले मैं आपको कुछ गाँव के व्यूज़ दिखाता हूँ और देन फिर मिलते हैं आगे वीडियो में। आधा सफ़र गुजरा है और अभी एक अल अमान होटल है, यहाँ पे हम दोपहर के खाने के लिए रुके हुए हैं और खाना खाएंगे, उसके बाद दोबारा अपने सफ़र को कंटिन्यू करेंगे। और सफ़र अच्छा गुजर रहा है, ऑलमोस्ट कुछ 6 से 7 घंटे का सफ़र है मेरे गांव से लेके इस्लामाबाद तक का। और अभी कोई दोपहर के ऑलमोस्ट कोई 1 बज रहा है, आहिस्ता आहिस्ता आए हैं और अभी रास्ते में रुके हैं दरमियान में अल अमान होटल पर, यहाँ पर खाना खाएँगे और देन फिर आगे मूव करेंगे। तो चलिए आप सिनेमैटिक शॉट देखें खाने के और कुछ होटल के, तो मिलते हैं इंशाल्लाह वीडियो के एंड में। गाइज मैं भी अभी पहुंचा हूं इस्लामाबाद अपने घर, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सफ़र बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा है। जैसे कि आपको मालूम है कि रमज़ान करीम भी आ गया है और कोरोना वायरस की वबा भी फैली हुई है, तो कोई ख़ास काम वगैरह और कोई ख़ास एक्टिविटीज़ नहीं है इस्लामाबाद में मेरी। तो मैं चाह रहा हूँ और प्लान कर रहा हूँ कि मैं अपने ब्लॉग्स के अंदर कंसिस्टेंसी लेके आऊँ और वीक के अंदर 2 से 3 ब्लॉग्स आप लोगों के लिए मैं बनाया करूँ और उसको अपलोड किया करूँ, ताकि कंसिस्टेंसी के साथ व्यूअर्स जो हैं वो मेरे ब्लॉग देख सकें। तो सजेशन में मुझे बताया करें, कमेंट्स में सजेशन दिया करें कि मैं ब्लॉग को कैसे इम्प्रूव करूं, और बताया करें कि आपको ब्लॉग कैसे लग रहे हैं। उसके अलावा अगर अच्छे लगे तो उनको लाइक ज़रूर किया करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और ये था आज का ब्लॉग, और इंशाल्लाह मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू।